कैप्टन आमिर सोहेल ने जो रिमार्क्स दिए दो दिन पहले, तो क्या वो पाकिस्तान टीम की जो कंपेन है इसके हौसलों को पस्त किया है उसने, या और ज़्यादा मोटिवेट हुए आप लोग? आई थिंक देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि इतनी ज़बरदस्त हमारी टीम की परफॉर्मेंस रही, अल्लाह का शुक्र है आज हम फाइनल में खड़े हैं। और जहाँ तक अपने बात की, अब मैं तो अब ये तो उनकी अपनी जाती राय है, वो ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में, लेकिन हम लोग इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। और हमारा अपना क्रिकेट पर पूरा फोकस है, और हमारा यही फोकस है कि हम लोग जिस तरह पूरे टूर्नामेंट खेलते हुए आ रहे हैं, फाइनल में भी अच्छी थी परफॉर्मेंस करें। अब ये इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ये उनकी अपनी राय है, वो ऐसा समझते होंगे उनकी राय में, तो ऐसा ही होगा। सरफराज, बिलाशुबा आप माजी हो गए, इंडिया से हारना इसको आप पसंद करेंगे कि इंडिया से हारना है कि माजी हो जाए? कल आमर खेलेंगे तो आपका क्या स्ट्रेटजी क्या होगी? आप फास्ट बॉलर की को निकालेंगे या क्या करेंगे? और दूसरा, अटैकिंग कहा है मिकी ने कि हम खेलेंगे, अटैकिंग सिर्फ आप बॉलिंग में करेंगे या बैटिंग में भी अटैकिंग का सोच रहे हैं? सर देखिए, जहाँ तक रही बात आमिर की, वो तो इंशाल्लाह कल आपको पता चल जाएगा जो भी स्ट्रैटेजी होगी हमारी टीम की। और जहाँ तक आपने बात की कि देखें, हम लोग अटैकिंग ही खेलते हुए आ रहे हैं इंडिया के मैच के बाद से, जैसे कि हमने क्रिकेट खेली, बॉलिंग में भी माशाल्लाह से हमने अटैक किया ही तो विकेटें ली हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि बैटिंग की, देखें बैटिंग भी हमारी माशाल्लाह से फॉर्म में आ गई, पिछले मैच में जितने भी हमारे मिडिल ऑर्डर्स थे, हफीज़ भाई हो गए, बाबर हो गए, अजय अली हो गए, फ़खर, तो माशाल्लाह ही के हर चीज़ में कोशिश करते हैं कि हम अटैक करके खेलें, क्योंकि जितनी पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो यही कोशिश है कि जिस तरह खेलते हुए आ रहे हैं उसी मोमेंटम को बरकरार रखें और वही मोमेंटम लेके फाइनल में लेके जाएं। सरफराज, हमने पिछले मैच में 35 से 40 ओवर्स के दरमियान तकरीबन 37 रन बनाए थे, और उसके बाद फिर हम लास्ट 8 ओवर्स में 106, इंडिया के खिलाफ बात कर रही हूँ, 106 रन हमने खाए। तो क्या डेथ ओवर्स में एक स्ट्रेटजी तो आपकी ये है कि डॉट बॉल्स खेल के आप प्रेशर डालते हैं, तो डेथ ओवर्स में जो बॉलर्स हैं, क्या उनको आपको मेंटली भी साथ लेके चलना पड़ता है ताकि वो विवर्ड ना हो जाएं, या आप समझते हैं कि सब अब इस वक्त परफेक्ट है, स्पिरिट्स हाई हैं? देखिए, समटाइम ऐसा होता है कि जब से लास्ट ओवर की बात की आपने, से इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी होता है, बाद वक्त बॉलर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है कि एक आध बाउंड्रीज लग जाती है। तो ये कि अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह हमारे बॉलर्स ने कम बैक किया है इंडिया के मैच के बाद, आप देखें डेथ ओवर में हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी बॉलिंग की, हमने उनके जितने भी बैट्समैन थे उनको नई हिट मारने दी, उसके बाद हमने श्रीलंका के खिलाफ भी, तो आई थिंक बॉलर ये डे बाई डे हमारे बॉलर्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। आई थिंक क्रेडिट जाता है टीम मैनेजमेंट को, कोच को, बॉलिंग कोच को, कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो गलतियाँ पिछले मैचेस में हुई हैं इंशाल्लाह वो इस मैच में ना हो। सरफराज, 4 जून को जो हमारे थे उसके बाद से जो पाकिस्तान ने मैचेस जीते, तो कल कितना मुख्तलिफ नज़र आएगी पाकिस्तान टीम उस मैच से? देखें, ऑब्वियसली वो चीज़ थी, वो एक चीज़ गुजर गई, और उसके बाद जिस तरह टीम ने कमबैक किया है, तो आई थिंक देखें कोशिश यही होगी कि जिस तरह हम खेलते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से खेलें, उसी जज्बे के साथ खेलें, रिजल्ट की परवाह नहीं करनी है, यही कोशिश है कि अच्छा ग्राउंड में परफॉर्म करेंगे, अच्छे दिल से खेलेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी बेहतर आएंगे। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑलरेडी आप फाइनल में पहुंच चुके हैं, और पीछे 20 करोड़ अवाम जो है वो आपको ऑलरेडी इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो ग्लोरी क्रिकेट की वापस आई है। इसमें जो आपके नए खिलाड़ी हैं, खास तौर पे जो 4-5 बिल्कुल रिलेटिवली न्यू प्लेयर्स हैं, एक तो उनके बारे में कहेंगे, और दूसरा आपकी जो कप्तानी, जैसे आपने अटैक किया तमाम जो आफ्टर इंडिया के तमाम मैचेस जब आप वापस आए, ऊपर से रमज़ान, ये क्या करना चाहेंगे? और दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के वेदर 30 डिग्री और सख्त गर्मी, क्या आपके लिए इजी होगा क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की टीम है दोनों, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे वेदर इफेक्ट दोस्तों? देखिए, नहीं, सबसे पहले तो अपनी आवाम को मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमें हमारी टीम को बैकिंग मिल रही है आफ्टर ये 3 विक्ट्रियों के बाद, और जिस तरह हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और मीडिया पे भी, जिस तरह हमारी टीम को बैकिंग मिल रही है और आवाम की दुआएं भी हमारे साथ हैं, तो पहले मैं अपनी आवाम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो जिस तरीके से हमारी इस पाकिस्तान टीम को बैक कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे आए थे, थोड़ी बैकिंग नहीं थी लेकिन जिस तरीके से अब हमारी टीम को बैकिंग मिल रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह फाइनल में बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। और जहाँ तक आपने बात की यंगस्टर की, देखें जितने भी यंगस्टर हमने इस टूर्नामेंट में ट्राई किए, फ़खर जमान ने पहला मैच खेला, उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, शादाब खेल रहा है, रोमान रईस ने अपना पहला मैच खेला, उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, उसके बाद फ़हीम है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान ने क्रिकेट के लिए कि जितने भी यंगस्टर आ रहे हैं वो बड़े इवेंट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई थिंक इनके लिए, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। और जहाँ तक आपने बात की वेदर की, तो आई थिंक दोनों टीमों के लिए, दोनों टीमें यही चाहती हैं कि थोड़ी सी गर्मी हो, वेदर भी अच्छा है, तो आई थिंक वेदर का कोई इतना इशू नहीं होगा दोनों टीमों के लिए।